देश में चुनावों का दौर जारी है। एमपी में 230 विधानसभा सीट पर 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। वहीं 15 नवंबर को एमपी में चुनाव प्रचार शाम से थम जाएंगे। अब ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एमपी के कई जगह पर बैक टू बैक रैलियां की। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह सहित बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चुनाव प्रचार को लेकर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सांसद राहुल गांधी ने भी कई जगह जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एमपी के बैतूल में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज भी कस दिया। दरअसल पीएम मोदी ने राहुल के मेड इन चाइना वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां ना देखने की मानसिक बीमारी हो गई है, जबकि सच्चाई ये है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरे सबसे बड़ा निर्माता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से कम के मोबाइल फोन बना करते थे, जबकि आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल फोन बनते हैं। आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। त्योहारों के मौके पर भारत में बने उत्पाद भारतीयों के बाजार उत्पाद खरीद रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस के किसी भी नेता ने लोकल के लिए वोकल होने को कहा? उन्होंने कहा कि जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं के दावों की पोल खुलती भी नजर आ रही है। दरअसल देखा जाए तो राहुल गांधी ने कल एक जनसभा को संबोधित किया था, और जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा था कि आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं उसमें मेड इन चाइना लिखा है, क्या इसमें मेड इन मध्य प्रदेश लिखा है? ऐसे में यहां राहुल गांधी की किरकिरी हुई है और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार जारी है। आज हमें पूरे एमपी से रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा। दरअसल कांग्रेस चीफ और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने 13 नवंबर को एमपी के हरदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बनाने की बात कही थी। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, आपको मेड इन चाइना दिखेगा। आपने कभी किसी कैमरे के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? ये हम करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का वो बयान जिसको लेकर बयानबाजियां तेज हो रही हैं। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा हैं, वे बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं, ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। ये हमारा सपना है। यहां पे आपके 15 साल 18 साल जाया हो गए, एक के बाद एक इन्होंने आपको झूठ बोला। प्रधानमंत्री यहां आते शर्म नहीं करते हैं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में एक कारखाना नहीं खुला, और यहां प्रधानमंत्री आके कहते हैं हमने मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां खोली। कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास
मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, इस दुनिया में रहते हैं ये लोग, कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है, आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जुबानी हमले जो है जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का राहुल पर वार, कांग्रेस ने हार मान ली है, कांग्रेस झूठे वादे करती है, मोदी की गारंटी के आगे नहीं टिकेंगे, अब भी भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे, ये मोदी को बदनाम करते हैं। उधर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, व्यापम में युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, एमपी में पटवारी घोटाला भी हुआ, ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर मध्य प्रदेश में जो चुनावी वादे किए गए हैं वो क्या है, बीजेपी ने क्या चुनावी वादा किया है, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। लाडली बहनों को पक्का मकान मिलेगा, 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा, लड़कियों को 21 साल तक 2 लाख रुपए मिलेंगे, प्रत्येक परिवार में एक रोजगार मिलेगा। कांग्रेस ने क्या अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, 100 यूनिट बिजली फ्री, 500 में गैस सिलेंडर, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए, किसानों का कर्ज माफ। उधर मध्य प्रदेश में किसका दम रहा है इस पर भी एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। साल 2003 कुल सीटें 230, बीजेपी 173, कांग्रेस 38, साल 2008 कुल सीट 230, बीजेपी 165, कांग्रेस 58, साल 2013 कुल सीट 230, बीजेपी 143, कांग्रेस 71, 2018 230 कुल सीटें, बीजेपी 109 और कांग्रेस 214। अब 2023 में कौन बाजी मारता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल चुनाव प्रचार जोरों पर है क्योंकि कल शाम तक चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। ऐसे में जुबानी हमले भी किए जा रहे हैं, मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया है उसको और बढ़ चढ़कर बताने की कोशिश हो रही है, वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। फिलहाल अगर मध्य प्रदेश में देखें तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है, ऐसे में कमलनाथ जो है वो पूरी तरह से बेताब है मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब आपको तय करना है कि आपको मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चाहिए, क्या शिवराज चौहान की सरकार से आप खुश हैं, आगे भी चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बने और बीजेपी का शासन हो, या फिर इस बार आप सत्ता की बागडोर कमलनाथ के हाथ में देना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है, वोट आपको करना है। और साथ ही साथ ये भी सवाल है कि इस वोट से कहीं ना कहीं 2024 को लिंक करने की कोशिश यहां की जा रही है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो अभी माइंड मेकअप क्या होगा आपका ये 2024 के लिए अभी से तय हो जाएगा। इसलिए समझदार वोटर बनिए, सही सरकार चुनिए।